कश्मीर घाटी में राष्ट्र विरोधी तत्वों पर नकेल कसनी और कानून व्यवस्था का माहौल बनाए रखने के लिए लगातार दूसरे दिन बड़ी धरपकड़ जारी रही और कश्मीर में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पिछले 14 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीएसएफ को तैनात किया जाए और बीते 24 घंटों में अब तक 150 से ज्यादा अलगाववादी नेताओं और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे ये पता चलता है कि बॉर्डर के बड़े हमले की तैयारी में और तेजी शुरू हो गई है। भारत के कहने से अजीतवाल पूरी दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को अब वैश्विक स्तर पर दबाव झेलना पड़ रहा है और इसी कड़ी में अब ईरान भारत के साथ खड़ा हो गया है। ईरान ने भी पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो आतंकी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई करे। ईरान के कुछ सेना कमांडर ने कहा है कि पड़ोसी देशों में आतंकवाद ना फैलाए। ईरान ने यह भी कहा है अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ईरान भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का दंश झेल रहा है। पाकिस्तानी सरहद से लगते ईरान के सिस्तान बुलिस्तान प्रांत में 13 फरवरी को फिदायीन हमलावरों को रेगुलेशनरी गार्ड की बस पर हमला कर दिया था, जिसमें बस में 27 कर्मियों की मौत हो गई थी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड पर पिछले सप्ताह फिदायीन हमलावर करने वाला हमलावर पाकिस्तानी नागरिक था, इसलिए इसराइल ने भी भारत को हर तरीके की मदद देने की पेशकश की है। इसराइल ने यह भी कहा कि आतंकियों का खात्मा करने के लिए भारत की हर तरीके से मदद करने को तैयार है। अब आप यहां समझ सकते हैं आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है, और अब पाकिस्तान ज्यादा समय तक बच नहीं सकता है और अब आतंकी पाकिस्तान का अंत नजदीक आ गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद।